शहीदी दिवस पर देश भर में 1600 रक्तदान शिविरों के माध्यम से लोगों ने करीब 1.5 लाख यूनिट रक्त देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश और विदेश में एक साथ लगाए गए रक्तदान शिविरों का मुख्य आयोजन करनाल में हुआ। निफा के इस संवेदना अभियान के मुख्य सूत्रधार प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रक्तदान शिविरों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रक्तदान का संदेश दिया। मुझे ये खुशी है कि पूरा देश शहीदों के साथ इतना जुड़ा हुआ है, उनके सपनों के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि आज 1600 से ज़्यादा कैंप पूरे देश में हो रहे हैं और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच जो है वो यूनिट रक्त ब्लड जो है इकट्ठा होने जा रहे हैं। कोरोना के समय में जब पूरे देश में रक्त की कमी चल रही है, ऐसे में शहीदों के नाम पर जो आज का रक्तदान है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक छोटी सी चीज़ है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि शहीदों की याद में देशभक्त इतनी बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। जिस ढंग से पूरे देश में और देश से बाहर भी रक्तदान शिविर आयोजित किए और 1 लाख या उससे भी अधिक संख्या में जो रक्त एकत्रित करके समर्पित किया जा रहा है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधु, शहीद सुखदेव के पोते अनुज थापर भी आयोजन में पहुंचे, जबकि शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु कार्यक्रम से लाइव जुड़े। शिविर में लोगों को प्लाज्मा दान, नेत्रदान व देहदान के प्रति भी जागरूक किया गया। साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन लगाने का भी प्रबंध किया गया। इस अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। 90वां शहीदी दिवस है, अज सारे देश भर के उन्होंने याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही ने। लोगों के बहुत उत्साह है, खास तौर पर नौजवानों के, हर कोई अपने ढंग के नाल उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहा है। तो आज हम उनकी याद में यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं। 90,000 तक का मात्र लेके हमने चला था और अब हम करीबन 1.5 लाख ब्लड के उसमें पहुँच चुके हैं।